दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। बिजली की समस्या से जूझ रही प्रदेश सरकार पर कांग्रेसियों ने हमला बोला है। इसी कड़ी में प्रदेश स्तर पर बिजली कार्यालयों का घेराव किया गया। रीवा स्थित विद्युत कार्यालय का घेराव करने पहुंचे कांग्रेसियों ने कहा कि अघोषित बिजली कटौती की जा रही है, अनाप शनाप बिजली के बिल दिए जा रहे हैं, जले हुए ट्रांसफार्मर बदले नहीं जा रहे हैं, जिसके चलते जनता परेशान है। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहर तक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने चिलचिलाती धूप में धरना प्रदर्शन किया है। धरना प्रदर्शन करने वालों में कांग्रेस पार्टी के जिला ग्रामीण अध्यक्ष त्रियोगी नारायण शुक्ला ने कहा कि जन भावना को देखते हुए आज धरना प्रदर्शन किया गया है। दी जाती है और हमें दी जाती है 10 रुपए। ये सुविधा है, एशिया का सबसे बड़ा प्लांट लगा हुआ है, ऊर्जा प्लांट रीवा के अंदर, और उसकी बिजली 250 रुपया के रेट से दिल्ली को दी जाती है। हम सौभाग्यशाली है कि हमारे शहर के अंदर बीचों बीच पानी गया है, और पानी अगर देखा जाए तो समस्या बनी हुई है पूरे रीवा के अंदर, घरों में पानी नहीं पहुंचता। हमें 25 ने सब कुछ दिया है, लेकिन ये बेईमान, ये चोर जिनके हाथ में सारी व्यवस्थाएं हैं, ये मिलकर बंदर बात करते हैं, उसकी चोरी करते हैं और चोरी करवाते हैं, और हम सब लोगों को परेशान करते हैं, आम जनता परेशान होती है। निपना है हम सब लोग बैठ के, आज हम लोग सांकेतिक यहाँ पर बैठे हुए हैं आपको बताने के लिए कि समस्याओं को दूर करिए, वरना समस्या अगर बिगट होगी तो समस्या बिगट हम लोग भी बना देंगे। आज यहाँ प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन हुआ है, जो हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने जन भावनाओं को देखते हुए यह धरना प्रदर्शन प्रदेश व्यापी किया। जो कांग्रेस पार्टी है, जनता की आवाज़ को लेके यहाँ आज प्रदर्शन करने के लिए पहुंची है, और जनता की बात रख रही है कि लाइट जो कटौती है इनकी अघोषित, कब हो कैसे हो पता नहीं, लोग रातों में बच्चे जग जाते हैं। यहाँ किसान की बात जहाँ आती है तो किसान का आज भी खेत में गल्ला पड़ा हुआ है, उनको 12 बजे लाइट मिलती है दिन की, वो भी कट कट के मिलती है, वो परेशान रहते हैं कि कब हमको लाइट मिल जाए। कौन सा आंदोलन किया जाएगा इसके बाद? हम लोग एक बृहद आंदोलन करेंगे प्रदेश व्यापी, और तालाबंदी आंदोलन करेंगे। अघोषित बिजली कटौती बंद की जाए, अनाप शनाप बिजली के बिल बंद किए जाएं, जले हुए ट्रांसफार्मर बदले जाएं, जिससे जनता को राहत मिले। आज यही 3 मुद्दे हैं, बिजली से लेके पूरा मुद्दा है। और बिजली विभाग के आज हमारे जिले में गली माने हर जगह ग्रामीण इलाके में भी, जहाँ बिजली के विद्युत वितरण केंद्र है, हर जगह कांग्रेस साथी 47 डिग्री टेम्परेचर में धरने में बैठे, और जनता के हित के लिए वो विभाग को, विभाग का कान माने विभाग के कान में बंद है जो, वो सुनाई दे और सरकार सुने कि क्या समस्या है ग्रामीण में और शहर में, कि जनता इस 48 डिग्री टेम्परेचर में पानी के लिए तड़प रही है, उसका कारण बिजली है। मतलब बिजली और पानी सरकार नहीं दे पा रही है? नहीं दे पा रही, निकम्मी सरकार है, कुछ नहीं दे रही, 10-10 किलोमीटर से लोग पानी दे देगा। ग्रामीण में ट्रांसफार्मर चले हुए हैं, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है लोग, चौड़ों का जो गंदा पानी जमा रहता है। एमपीपी के अधिकारियों को तो मानना है कि कहीं कटौती नहीं हो रही है। अभी एमपीपी के अधिकारी मान रहे हैं तो उनकी तो मनमानी है, माने भाई उनका, राजे सिंह नहीं मान रहा तो उनका तो आदेश है कि नहीं मान रहे। हमारा रीवा जिला है जहाँ सौर ऊर्जा भर नहीं, यहाँ 315 मेगावाट का सिरमौर में थर्मल पावर हाइडल पावर जो जल से चलता है, जल विद्युत परियोजना है। सिलपरा में हमारे है जो बिजली पैदा होती है, सौर ऊर्जा है जो एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है, उसके बाद भी रीवा जिले में बिजली नहीं मिल रही। अगला क्या, भाजपा के 8-8 विधायक हैं, सांसद हैं, सब माननीय बैठे हैं, और रीवा के जिला की जनता और पानी बिजली के लिए तड़प। कौन सा आंदोलन होगा? ये तो सर्वलाक बात उनके लिए, ये तो आंदोलन होगा पूरा, कांग्रेसी करेंगे, जनता को लेके बिजली विभाग घेरेंगे, कलेक्ट्रेट घेरेंगे, SDM का कार्यालय घेरेंगे, हम लोग हर जगह घेरेंगे। घोषित विद्युत कटौती है नहीं, जो भी है वो कहीं फॉल्ट आता है उसके कारण विद्युत कटौती है, विद्युत कटौती भी उसको नहीं कह सकते, एक शटडाउन अनप्लान शटडाउन टाइप में हो जाता है वो, तो उसका कार्य करने के लिए अगर कहीं समय लगता है तो थोड़ा सा समय अपन को भी व्यतीत करने, क्योंकि इतनी भारी गर्मी में हमारा लाइन कर्मचारी भी वहाँ खड़े होकर काम करता है, खंभे में भी चढ़ता है, तो हम लोग स्वयं चाहते हैं कि उसका जो समय है वो कम से कम हो। दूसरा, इन्होंने ज्ञापन में माननीय ने दिया है कि
विद्युत आपूर्ति है 24 घंटे। इसके लिए मैं अधीक्षण यंत्री महोदय को सूचित कर दूँ, चूँकि आज वो शहर से बाहर है। ट्रांसफार्मर फेल की समस्या जो ग्रामीण क्षेत्रों में है, तो मैं अपने साथियों को जो ग्रामीण क्षेत्र के कार्यपालन में तो उनको सूचित करवा दूँगा इसमें। और जब बिजली बिल लेके है तो बिजली बिल लेके शहर में तो उनका सुधार कार्य है, और इस बार मीटर रीडिंग में कुछ चेंज करके अपन प्रयास करते हैं कि उनके निराकरण किया जा सके।